हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। तो आज की वीडियो आप देख सकते हैं कि मैं गाड़ी के पास खड़ा हूं। तो आज जा रहे हैं कुल्लू दशहरा को, और आज आपको दिखाऊंगा मैं कुल्लू के दशहरे को, जो कि एक इंटरनेशनल फेस्टिवल है। वहां पे बहुत सारे देवी देवता थे और कुल्लू मेले की रौनक, वो सब मैं दिखाऊंगा आपको। आप बने रहो मेरे साथ में और चलते हैं कुल्लू दशहरे के लिए, और मिलता हूँ मैं आपसे रास्ते में अच्छे अच्छे क्लिप्स दिखाते हुए। पार्किंग भी फुल है, बहुत मुश्किल से गाड़ी लगाई अभी यहाँ पे, साइड में गाड़ी लगाई है। आप देख सकते हैं लास्ट गाड़ी हमारी है, इसके आगे बिल्कुल लाइनें ही लाइनें हैं गाड़ियों की। और दिखाते हैं आपको सामने लगा है कुल्लू दशहरा, और ले चलते हैं आपको दशहरे में। देख सकते हैं आप रश कितना तगड़ा है आज, पार्किंग तो बुक हो रखी है लेकिन रोड के साइड में भी मतलब गाड़ियों का तांता लगा हुआ। आगे तक हम पूरी कोशिश करके आए बीच बीच में देखने की, पर कहीं नहीं मिली, पर हमें जाना है वहाँ सामने जहाँ मेला लगा हुआ है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जहाँ तक लाइन लगी है, जहाँ तक आप कैमरे की लाश देख रहे हैं, वहां से अभी हम गाड़ी लगा के पैदल पैदल आ रहे हैं और ब्यूटीफुल व्यास नदी को कर रहे हैं पार।
प्यास नदी के नज़ारे दिखाता हूँ आपको मैं बहुत बढ़िया से। ये देख सकते हैं आप, प्यास नदी यहाँ से बह रही है कुल्लू से, साफ क्रिस्टल क्लियर वाटर। कम से कम कोई 1 किलोमीटर घूम के यहाँ पहुँचे हैं, अभी इतना ही 1 किलोमीटर ऊपर जाना है टॉप पे, फिर जाके हम पहुँचेंगे मेला ग्राउंड में। तो चलिए सीधे मिलते हैं मेला ग्राउंड में और दिखाते हैं आपको आज बहुत सारे देवी देवताओं को, क्योंकि कुल्लू मेले में 100-200 से ऊपर देवी देवता आते हैं, और दिखाएंगे और भी कुछ अच्छी अच्छी झलकियाँ जो हम आज इंजॉय करने वाले हैं। ये देख सकते हैं ब्यास नदी। तो गाइज अभी हम आ गए हैं कुल्लू दशहरा में, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कुल्लू दशहरा चालू हो गया है। कुल्लू दशहरा मतलब दुकानें यहाँ पे लगी हुई है। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं हम देवी देवताओं के पास में, वहाँ पे आपको दर्शन कराऊंगा देवी देवताओं के, उसके बाद घूमेंगे पूरा का पूरा मेला। और आप देख सकते हैं अभी